हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक कहाँ आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। पूरा वीडियो अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना न भूलें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, इसका आंसर है प्रोग्राम। नेक्स्ट है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, इसका आंसर है Ctrl+P, अर्थात Ctrl+Print। नेक्स्ट है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, इसका आंसर है 8 बिट के योग से। नेक्स्ट है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं, इसका आंसर है आइकॉन्स। नेक्स्ट है, अपनी लागत और आकार के कारण ये लैग कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या अर्थात रेयर हैं, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका आंसर है इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करती है उस प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, इसका आंसर है रैम। नेक्स्ट है, DVD उदाहरण है, इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट का CDRW का पूरा नाम है, इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब CDRW। नेक्स्ट है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, इसका आंसर है डाटाबेस। डाटाबेस सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक लाता है और वापस ले जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, इसका आंसर है UPS। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, इसका आंसर है सिस्टम बस। नेक्स्ट, प्रथम गणना यंत्र है, इसका आंसर है अबेक्स। नेक्स्ट है, विंडोज में डम से क्या शब्द बनता है, इसका आंसर है मिलेनियम। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। मॉडेम है जो फोन लाइन में काम आता है। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, इसका आंसर है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इसका आंसर टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेबसाइट कलेक्शन है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, इसका आंसर है .excel। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका आंसर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, इसका आंसर है वर्कशीट का। नेक्स्ट, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं, का आंसर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। नेक्स्ट, CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, इसका आंसर है डिजाइन से। नेक्स्ट, भारत में निर्मित
प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। इसका आंसर है सोर्स कोड। नेक्स्ट, सी बेसिक कोबोल, सी बेसिक कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं। इसका आंसर है हाई लेवल। सी बेसिक कोबोल जावा ये सारी लैंग्वेज हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। नेक्स्ट है ASCII, ASCII का पूर्ण रूप होता है। इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज इंटरचेंज सॉरी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के प्रथम आविष्कार के और इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त तो प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। नेक्स्ट, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो होता है रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोरट्रान होती है। नेक्स्ट है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोरट्रान। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका आंसर है विज्ञान। कंप्यूटर की लैंग्वेज फोरट्रान है, ये विज्ञान विषय में बहुत ही उपयोगी लैंग्वेज है और फोरट्रान है ये कंप्यूटर की पहली भाषा है। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर है व्यावसायिक कार्य। कोबोल है ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड, मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड्स का ही प्रयोग करती है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा लैंग्वेज और जावा एक हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। नेक्स्ट, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर है वेब सर्वर्स में। नेक्स्ट, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका आंसर है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, कंपाइलर कंप्यूटर की किस भाषा प्रकार की भाषा है? इसका आंसर है निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सेल। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। नेक्स्ट, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं, मेनू। नेक्स्ट है,
हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? इसका आंसर है रिसाइकिल बिन। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें हैं वो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये था हमारा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एम एक्सल में सभी फॉर्मूले रिक्त स्थान से शुरू होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पॉइंट PPTX। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर है सी नेविगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुंजी के प्रयोग से फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प खुलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, Ctrl+H। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, MS Excel। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नेविगेशन कुंजी, यानी नेविगेशन की। नेक्स्ट, पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज खाली स्थान कहलाता है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित और अनचाही ईमेल खाली स्थान कहलाती है? इसका सही आंसर है ए स्पैम। नेक्स्ट, एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए आप जिस कुंजी सॉरी एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ए Shift+3। नेक्स्ट, सीपीयू की गति मापी जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए HZ और GHZ से। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है डी 12। कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति है? इसका सही आंसर है ए रैम। नेक्स्ट, F12 कुंजी MS वर्ड में खोलता है? इसका सही आंसर है ए सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, असेंबली भाषा किस प्रकार की भाषा है? इसका सही आंसर है सी निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट्स के बराबर है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 8 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला उपकरण है? इसका आंसर है ए हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, हजारों पिक्सल से बनी छवियों को खा जाता है? इसका आंसर है ए बिट मैप। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, Ctrl+ End कुंजी। नेक्स्ट, वर्ड 2010 ने ड्रॉप कैप सेट करने के लिए अधिकतम कितनी लाइनें हो सकती हैं? इसका आंसर है डी 10 लाइनें। नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? इसका आंसर है बी गो टू रिप्लेस फाइंड।
नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? इसका आंसर है बी, हेडर और फुटर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, बुकमार्क। बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड में नहीं होता? इसका आंसर डी ऑप्शन, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या है? इसका आंसर है डी, XLSX। नेक्स्ट, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी ऑप्शन, हेडर। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत को चुनें, डॉक्यूमेंट सेल, कॉलम और रो। इसमें डॉक्यूमेंट है ये असंगत है। नेक्स्ट, एक्सेल 2010 में एक शीट में कितनी रो होती हैं? इसका आंसर है डी ऑप्शन, 104, 85, 76। नेक्स्ट, चार्ट बनाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ए, इंसर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में दिया गया कमेंट कहलाता है? इसका आंसर सी ऑप्शन, सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को टेबल के रूप में परिवर्तित करने की कमांड होती है? इसका आंसर बी ऑप्शन, टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम से अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? इसका आंसर है सी ऑप्शन, 31। अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, खालिस्तान टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं? इसका आंसर है ए, डिजाइन। नेक्स्ट, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, चालू स्लाइड को। नेक्स्ट, किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग तथा फॉर्मेटिंग की जा सकती है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, नॉर्मल। तो ये था हमारा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो आप कमेंट जरूर दें। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर जरूर देना है आपको। पावर पॉइंट 2010 में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो जरूर प्रयास कीजिए और कमेंट में उत्तर दीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, पावर पॉइंट 2010 में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? इसमें ऑप्शन दे रही हूँ आपको, ए, बुक वन, बी, डॉक्यूमेंट, सी, प्रेजेंटेशन वन, डी, यूनाइटेड। ये ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो कि अधिकांश परीक्षाओं में आने योग्य प्रश्नों का हमने इकट्ठे किए हैं। तो प्रश्न शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्रश्न अगर आपको पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक ज़रूर करना और कमेंट देना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू हुआ था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? तो इसका सही उत्तर है तीसरी पीढ़ी में डॉस का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर दो है, IEEE एक कंप्यूटर है, क्या ये सुपर कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम या लैपटॉप? ये है जो एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में संभव है मल्टीटास्किंग, मल्टीप्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, उपरोक्त सभी? तो ये ए, बी और तीन सभी कार्य है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ईयरफोन आउटपुट डिवाइस है क्योंकि जो भी हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो हमें स्पीकर ईयरफोन एक ही बात आ गई, प्लाटर आउटपुट डिवाइस है जिस तरह प्रिंटर होता है उसी तरह प्लाटर होता है, लेकिन कैमरा है जो इनपुट डिवाइस है। तो इसके सही ऑप्शन है कैमरा, ये है इनपुट डिवाइस, बाकी सारी आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर नहीं है, टेली मॉडेम माउस हार्ड डिस्क ये सारे हार्डवेयर हैं लेकिन टेली एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जैसे टेली है तो ये एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। मदरबोर्ड में नहीं लिखा होता है, प्रोसेसर मदरबोर्ड में होता है, मेमोरी भी मदरबोर्ड में होती है, साउंड कार्ड भी मदरबोर्ड में होता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क है ना ये अलग से होती है। तो इसमें सही ऑप्शन है हार्ड डिस्क है जो मदरबोर्ड में नहीं लगा होता है। टच स्क्रीन मॉनिटर कहलाता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह की मानी जाती है। टच स्क्रीन है जो मॉनिटर है, इनपुट और आउटपुट ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसा ऑपरेटिंग के लिए अच्छी पोजीशन क्या है, टेल यूजर की ओर, टेल यूजर से दूर, टेल यूजर दक्षिण मुख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है टेल यूजर की ओर। सिस्टर वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है, होम पेज का अर्थ प्रथम पेज, अंतिम पेज, सबसे अच्छा पेज। तो जो होम पेज का मतलब होता है वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है ना वो होता है होम पेज, प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डाउनलोड कहते हैं, जो डाउनलोड करते हैं उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रांसलेट की ज़रूरत किस प्रोग्रामिंग को नहीं होती है, असेंबली लैंग्वेज को होती है, बेसिक को होती है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज है जिसको किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, कंपाइलर ये क्या है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, और वर्ड प्रोसेसर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है कंपाइलर। कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट डिस्क कहाँ डाली जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, सीडी कहाँ डाली जाती है, मॉडेम में तो नहीं डाली जाती ना, सीपीयू में, और ये हार्ड डिस्क का मैटर है तो डिस्क ड्राइवर होता है एक, उसमें डाली जाती है सीडी ड्राइवर में। मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिंग चेक, वर्टिकल, तो इसको मापा जाता है डायगोनली से। तो यह थे 15 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, धन्यवाद। हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। वीडियो पूरा देखें और अंत में कमेंट देना न भूलें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका आंसर है चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर है 12। कीबोर्ड में फंक्शन की F1 से लेकर
F12 तक जो की होती हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं, उनकी संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं, इसका आंसर है बार कोड। नेक्स्ट, किस प्रिंटर के द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है, इसका आंसर है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इसका आंसर है प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज है वो प्राइमरी स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है फ्लैश, सेल फोनों में फ्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम को सेट जो निर्माण के कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसका कहते हैं फर्मवेयर, कि प्रोग्रामों का वो सेट जो निर्माण जो सम निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, इसका आंसर है फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझता है कहलाती है, इसका आंसर है मशीनी भाषा। नेक्स्ट, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, इसका आंसर है टेराबाइट, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है बाइट, बिट की कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है और उससे बड़ी इकाई होती है वो बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, इसका आंसर है प्रोग्रामों को, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्या है, इसका आंसर है सर्च इंजन। नेक्स्ट, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेट क्या है, इसका आंसर है एक कंप्यूटर नेटवर्क, अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एन, मतलब कंट्रोल प्लस न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूहों को कहते हैं, इसका आंसर है डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों में किया जाता है, इसका आंसर है एक्सेल, एक्सेल की फाइलों में एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, इसका आंसर है स्टैंडर्ड टूल बार पर, ओपन प्रिंट और सेव के सभी बटन हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, इसका आंसर है सेल। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, इसका आंसर है डॉक, DOC डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार स्थित होता है, इसका आंसर है स्क्रीन के बॉटम पर, टास्क बार है वो स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, इसका आंसर है कर्सर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट, जंक ईमेल को कहते हैं, इसका आंसर है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल क्या होता है, इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है उसे यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट,
फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? इसका आंसर है ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर है एजू, EDU एजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय ई कॉमर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है? इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? इसका आंसर है सिक्किम। भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग की प्रक्रिया है? इसका आंसर है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का तात्पर्य है? इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट, ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबलर करता है ये कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? इसका आंसर है सीब्रेन। भारत में सर्वप्रथम सीब्रेन नाम का वायरस दिखाई देता था दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? इसका आंसर है मैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है? इसका आंसर है टर्मिनल। टर्मिनल वह बिंदु है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? इसका आंसर है अर्पनेट को विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट, लिनक्स एक उदाहरण है? इसका आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है? इसका आंसर है रीबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका आंसर है डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं? इसका आंसर है इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम होता है? इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये था हमारा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा आने वाले क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, और प्रत्येक परीक्षा में कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें तो हमारे चैनल Hindi24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइज, हमारे चैनल Hindi24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल Hindi24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये, और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन।
कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइक्रोचिप, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू परिचालन संपन्न करता है? इसका आंसर है अरिथमेटिक। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे क्या है? CRAY क्रे क्या है? इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की में टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? इसका आंसर है PDA। नेक्स्ट, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? इसका आंसर है माउस को। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल उदाहरण है? इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? इसका आंसर है प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है? इसका आंसर है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधनों की प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं? इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो केवल केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क जोड़ती है इसे कहा जाता है वायरलेस। नेक्स्ट, मेन्यू भाग होते हैं? इसका आंसर है स्टेटस बार का। नेक्स्ट, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं? इसका आंसर है ब्राउजर। नेक्स्ट, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इसका आंसर है इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है, उतने एक साथ हम डॉक्यूमेंट्स खुले रख सकते हैं। नेक्स्ट, GUI का पूर्ण रूप है? इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? इसका आंसर है हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में होता है? इसका आंसर है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है CPU में, और CPU को कंप्यूटर का माइंड यानी मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी? इसका आंसर है ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? इसका आंसर है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्य शेयर किया जाता है? इसका आंसर है प्रिंटर्स। नेक्स्ट, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इसका आंसर है 4। पेज पर
चार मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? इसका आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। इसका आंसर है नेटवर्क। नेक्स्ट, डंब टर्मिनल क्या है? इसका आंसर है सेंट्रल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट, बैकअप क्या है? सिस्टम इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। हेलो गाइस, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आजकल प्रत्येक परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर हो गया। आजकल की जनरेशन में भी कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता हो रही है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना न भूलें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है? इसका आंसर है फाइंड टाइप कमांड का उपयोग करना। किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? फाइंड कमांड का। फाइंड कमांड का उपयोग करके हम कोई भी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को किसी भी डॉक्यूमेंट में आसानी से और सरल तरीके से ढूंढ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका आंसर है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से हम कंप्यूटर में कोई भी सूचना को लेते हैं, मतलब, तो वो उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? इस क्वेश्चन का आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट क्या है? टाइप की गई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे क्या कहते हैं? चैट कहते हैं। आजकल जो कि बहुत ही प्रचलन में है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो टाइप करके जो बातचीत की जाती है वो क्या कहलाती है? चैट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथमेटिक लॉजिंग ऑपरेशन, इसका आंसर है कि में जमा, घटाना और गुणा भाग में शामिल है। कि अरिथमेटिक से संबंधित ऑपरेशन है इसमें, जोड़ करना, घटाना, गुणा, भाग, जो कि संख्या से संबंधित जो भी कैलकुलेशन होती है वो अर्थमेटिक के ऑपरेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है पावर पॉइंट। स्लाइड शो पावर पॉइंट में ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल का अन्य नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर है स्पैम। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इसका आंसर है इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? इसका आंसर है एडिटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का बदलाव हम एडिट करके एडिटिंग के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? इसका आंसर है रिकॉर्ड। कि जो भी किसी भी चीज़ से संबंधित एक दूसरी एक से अधिक जो कि फाइल है उससे उसमें रिकॉर्ड है वो उपलब्ध होते हैं। तो एक तरह की जो सूचना को संबंधित करके इकट्ठी करके जैसे सेलेक्ट किया जाता है वो फाइल में किया जाता है, और बहुत सारी फाइलों का जो संग्रह होता है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्थिति में हिलाए नहीं जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाता है? इसका आंसर है फिक्स्ड मॉडेम। कि जिस मॉडेम को
किसी भी तरह लाया नया जा सके, मतलब उसकी स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहे, तो उस मॉडेम को फिक्स मॉडेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करेक्टर्स को क्या कहते हैं? इसका आंसर है करेक्टर सेट। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इसका आंसर है एड्रेस बुक। कि ईमेल एड्रेस को अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो हमें एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? इसका आंसर है फोन लाइन। मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से जुड़े KB का क्या अर्थ है? इसका आंसर है किलोबाइट। कंप्यूटर से जुड़े KB को किलोबाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आउटपुट। नेक्स्ट, CPU के ALU में होते हैं? इसका आंसर है रजिस्टर। नेक्स्ट, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों ही प्रोसेसर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है माइक्रोचिप। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका आंसर है चतुर्थ। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं? इसका आंसर है स्लॉट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? इसका आंसर है सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है? इसका आंसर है मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका आंसर है MIDI, MIDI। नेक्स्ट है, पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट है, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? इसका आंसर है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट चिप का विकास किसने किया? इसका आंसर है JS किलबी ने। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इसका आंसर है सिलिकॉन की। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? इसका आंसर है बिट। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं और यह कंप्यूटर की सबसे छोटी गणना करने वाली यूनिट होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। नेक्स्ट है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? इसका आंसर है गेटवे। नेक्स्ट, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? इसका आंसर है नंबर्स। नेक्स्ट, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? इसका आंसर है रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट्स का। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और बिट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट, सीडी रोम किसका उदाहरण है? इसका आंसर है इनपुट डिवाइस का।
नेक्स्ट है कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, इसका आंसर है रैम। रैम नेक्स्ट है जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज, मतलब जावा उच्च स्तरीय लैंग्वेज का उदाहरण है। नेक्स्ट है वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वह है सीपीयू। सीपीयू को आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, वह है बारकोड रीडर। नेक्स्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा निष्पादन के कार्य में कंप्यूटर को समर्थता है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते हैं प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेस्ट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वो होते हैं इंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है वायरस ट्राजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। नेक्स्ट है वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। तो ये था हमारा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें आप कमेंट के रूप में बताएं, और आप हमें इस ये भी बताएं कि आप किस तरह के वीडियो हमसे चाहते हैं, तो हम अपने अगले वीडियो में उस तरह के वीडियो आप तक पहुंचा सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें तो हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।